बुली ब्रीड जो है वो बहुत बेकार होती है वो आइसोलेटेड फील करता है उसको डर लगता है अकेले अमेरिकन बुली ने ऐसे कर दिया अमेरिकन बुली ने अटैक कर दिया हेलो एवरी वन आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट बादल भंडारी एंड आई वेलकम यू इन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल फॉर एवर डियर फ्रेंड्स मेरे साथ में आज एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा अमेरिकन बोली है और ये भाई साहब जो है बहुत क्यूट है लाइट क्रीम कलर है फॉन कलर विद वाइट मार्किंग फ्रंट सॉक्स हाइंड लेग्स में भी सॉक्स हैं बड़ी सुंदर सी फेस पे मार्किंग है माथे पे टिक्का है बहुत सुंदर बच्चा है ओवरऑल हेल्दी बच्चा है मैं इसकी कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ आप ये देखिए इसको कितनी हैवी चेन डली हुई है मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं लेकिन आप लोगों को अवेयर करने की कोशिश कर रहा हूं मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आप लोगों के माइंड से यह डर निकालना चाहता हूं ये वहम निकालना चाहता हूं कि अमेरिकन बोली ब्रीड जो है वो बहुत बेकार होती है क्या वो वाकई में इतनी बेकार होती है क्या वो वाकई में रखने के लायक नहीं है मैक्सिमम लोगों को लगता है बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं जबकि ऐसा है नहीं रियल लाइफ में स्टेप बाई स्टेप मैं क्लीन आपको क्लियर कर देता हूँ ये इतनी हैवी चेन जो है इसको इसलिए डाल रखी है क्योंकि घर वाले जो हैं पेरेंट्स जो हैं बच्चों के जो मेरे पास बच्चे से लेके आए हैं उनके पेरेंट्स डरते हैं कि जो अमेरिकन बुली है वो चेन तोड़वा लेगा किसी को काट लेगा कुछ कर देगा जो कि बहुत गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए सबसे पहले तो इसकी हम ये चेन को रिमूव करेंगे और ये मैं वीडियो में इंटेंशनली कर रहा हूँ सो दैट आप लोगों को भी ये चीज़ पता रहे कि इन बच्चों के लिए इतनी बड़ी हैवी चेन्स नहीं बनी हुई इनके लिए बिल्कुल लाइट सी चेन लेनी चाहिए या लइे लाइट सी बेल्ट लेनी चाहिए बिकॉज उनको घुमाना है या कुछ भी ऑफकोर्स अगर बच्चा छोटा है उसकी टीथिंग होती है तो वो बेल्ट को चीव करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं उस केस में जब आपने बांधना है तो अगर कभी थोड़ी देर के लिए बांधना पड़ता है तब तो आप बारीक सी चेन यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल लाइट वेट बल्कि बांधना नहीं चाहिए डॉग को जितना खुला रहेगा उतना अच्छा ग्रो करेगा अब हम इसकी अगर एक और बात करें अभी बात कर रहा था जो इसके ऑनर है उनके साथ में वो बता रहे थे कि ये बच्चा जो है रात को उनके पास उनके रूम में सोना चाहता है ये चाहता है कि आप मेरे पास में आके सोएं या मुझे अपने पास में सुलाएं एक्सप्लेन करता हूं आपको जब हम नया बच्चा लेके आते हैं नया बेबी लेके आते हैं वो अपने भाई बहनों से अपनी मदर से उन सब से अलग हुआ होता है आपके पास पहुंचने से पहले वो पॉसिबल है कि अपनी फैमिली में सबके साथ में सोता था एक दूसरे को हक करके सोते थे मम्मा के ऊपर चढ़ के सोता होगा शायद भाई बहनों के साथ में हेड के ऊपर हेड रख के सोता होगा बच्चे अक्सर करते हैं उस तरह से सोते हैं जब वो आपके घर पे आ गया तो वो आइसोलेटेड फील करता है उसको डर लगता है अकेले उसको अकेले सोने में डर लगता है सेम लाइक जैसे हम अपने छोटे बच्चों की बात करें अगर मैं अपने छोटे बच्चों की बात करता हूँ अगेन हमेशा मैं इन पेट्स की जो एग्ज़ैम्पल है जो देता हूँ वो अपने बच्चों के साथ देता हूँ अपनी फैमिली के साथ देता हूँ मुझे कभी भी उसमें हेजिटेशन नहीं होती बिकॉज फॉर मी दे आर ऑल्सो किड्स ये बेजुबान बच्चे हैं इस चीज़ को आप समझिएगा अगर मेरा बच्चा है वो मेरे बिना नहीं सोएगा या मेरी वाइफ के बिना या अपनी मम्मा के बिना यानी वो अपनी मम्मा के बिना नहीं सोएगा उसको हम दोनों में से कोई चाहिए जब वो सो के उठेगा तो एकदम से कई बारी वो डर जाता है ह्यूमन बेबीज भी डर जाते हैं एकदम से सो के उठते हैं उनको कोई अपना बड़ा चाहिए होता है ये भी तो बच्चे हैं आप उस वे से लेके चलिए आप ये मत सोचिए कि आप उनकी आदतें बिगाड़ रहे हैं नहीं ऑफ कोर्स नॉट हम उनकी आदत नहीं बिगाड़ रहे हैं उनको मैं नहीं कह रहा हूँ उनको अपने बेड पे सुलाओ जरूरी लेकिन आप उन्हें अपने रूम में तो सुला ही सकते हैं या आप उन्हें एटलीस्ट लॉबी में तो सुला ही सकते हैं डॉग छोटे बच्चे को उठा के अब ला के अपने बाहर बरामदे में या बालकनी में छोड़ देंगे रात को तो सिर्फ यहीं पर सोएगा और कहीं जाएगा नहीं और उसके पास में कोई भी ना हो आप वो क्रुअल्टी मत कीजिए जब हम डॉग को आइसोलेटेड करते हैं जब हम उसको अकेला छोड़ने की कोशिश करते हैं छोड़ने की हैबिट बनाते हैं तो हम अपने आप में उसे बांध रहे हैं उसके उसको बंधन डाल रहे हैं उसकी लिमिटेशंस कर रहे हैं उसकी आज़ादी ख़त्म कर रहे हैं रात को हम इसको बाहर बरामदे में छोड़ते हैं प्लस बांध के रखते हैं तो वो तो बेचारा परेशान होएगा ही इसको खुला रखिए अगर खुला नहीं रखना तो रात को अपने रूम में एटलीस्ट लीज़ बांध लीजिए सो दैट ये कहीं जाके कुछ नुकसान ना करे उसकी हैबिट भी डेवलप हो जाए उसको कुछ एक दो टॉयज़ प्रोवाइड कीजिए उसको बेडिंग प्रोवाइड कीजिए लेकिन बच्चा जो है इसीलिए अपने आपके पास सोना चाहता है आपके नियर बाय सोना चाहता है अगर मैं अमेरिकन बुली की बात करूं तो ये बहुत इंटेलिजेंट बहुत लविंग बहुत अफेक्शनेट ब्रीड होती है बहुत फास्ट लर्नर होते हैं इंटेलिजेंट ब्रीड है आप ऐसा ना सोचें कि अगर हम अमेरिकन बुली ले आए हैं तो बहुत बड़ा कुछ पंगा कर दिया जैसे इन बच्चों के घर में इसी तरह से माहौल ख़राब हो रखा है हर कोई परेशान है अमेरिकन बुली ले जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं या जो रिश्तेदार हैं वो बोलते हैं अरे हमने तो सुना था अमेरिकन बुली ने ऐसे कर दिया अमेरिकन बुल ने अटैक कर दिया अरे सर जी अमेरिकन बुली अटैक करता है लेकिन उसको अटैक कौन करवाता है उसको गलत तरीके से कौन पालता है इंसान जो किसी और ने गलत तरीके से अपने पेट को पाला और वो बिगड़ गया और वो लोगों को अटैक कर रहा है हम उस तरीके से क्यों रखें हम डॉग को क्यों बांध के रखें हम उसको क्यों ना सबके साथ में सोशलाइज करवाएं क्यों ना मिक्स करवाएं सबके साथ में और एक कुगलू मुगलू पुचियाँ खाता मेरी भूत पो वाला बच्चे और भूतपो वाला बच्चा इसको बच्चे को कुछ नहीं पता इसकी कोई बेसिक नेचर नहीं है बड़ा वेल बिहेव बहुत क्यूट बच्चा है कोई पप्पी बाइटिंग नहीं कर रहा कुछ नहीं कर रहा मुझे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना पड़ा इसे बिठाने के लिए इससे ज़्यादा पप्पी बाइटिंग वगैरह तो जर्मन शेफर्ड या रॉटवेलर कर देते हैं अमेरिकन है कुछ नहीं किया उसने मेरे साथ में प्यार से बैठा है फिर भी हम इस ब्रीड को गलत कहें तो हम गलत हैं ये ब्रीड गलत नहीं है अगर आप अमेरिकन बुलिये रखते हैं बेशक आप फर्स्ट टाइम ऑनर भी हैं आप अगर उसे बड़े प्यार से बड़े अच्छे से रखते हैं केयर से रखते हैं अच्छे टेम्परमेंट की अच्छी पेरेंट्स को देख के लेते हैं कि पेरेंट्स कूल हैं वेल बिहेव्ड है या किसी अच्छे ब्रीडर से लेते हैं जिसका आपको पता है कि वो अच्छी क्वालिटी में डील करता है तो डेफिनेटली आप उसे ले सकते हैं अपने बच्चों के साथ रख सकते हैं डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं आती अगर हम तरीके से रखें अगर तरीके से नहीं रखेंगे तो लैब्रेडर भी अग्रेसिव हो जाते हैं गोल्डन रिट्रीवर भी अग्रेसिव हो सकते हैं कोई भी दुनिया की ब्रीड एग्रेसिव हो सकती है शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकती है आई होप ये जो वीडियो बनाया ये आपको पसंद आया होगा और ये जो भाई साहब हैं इनका नाम क्या नाम बताया था बेटे रॉस्को नाम है इसका रॉस्को और ये जो भाई साहब हैं ये खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं समझना चाहिए बहुत स्मार्ट है भी है आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा साईं दया करेंगे आप पे मुझ पे हम सब पे हमारे पेट्स पे अगर पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिस ना करें मैं यहाँ पे जो वीडियो बनाने आता हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं वहम दूर करने के लिए आता हूँ बेवजह के वहम नहीं रखने किसी किसी तरह का को कोई वहम नहीं रखना प्यार दो प्यार लो जितना प्यार करोगे आप अपने पेट से उतना ही वो कई फोल्ड आपको प्यार देगा थैंक यू सो मच लव यू ऑल बाई